वेल, आज के नागिन के एपिसोड में हमें आखिर क्या कुछ देखने मिल सकता है? क्या पांचवें असुर का नाम होगा रिवील? क्या उसका चेहरा आएगा सामने? क्या शेष नागिन, सर्वश्रेष्ठ नागिन प्रथा जो है कर पाएगी पांचवें असुर का वध? चलिए बात करते हैं इस वीडियो में। आप देख रहे हैं फीफा फूज, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त वेदांगी कर्णिक। वेल, चार असुर को पकड़ चुकी है, चारों के चारों असुर अनवील हो चुके हैं और उनमें से कुछ लोगों को तो मौत के घाट ऑलरेडी प्रथा ने उतार ही दिया है। अब आपको बता दें, पांचवें असुर का नाम जो है ढूंढने की कोशिश प्रथा कर रही थी, अपने देवर को कल मारने ही जा रही थी, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि पांचवा असुर तक यही पहुंचा सकता है, उसका वो जिंदा छोड़ देती है और रिहान को रिहा कर देती है और उसको अपने वश में कर लेती है, जिसके चलते वो किसी एक टोपी वाले इंसान तक पहुंच जाती है, उसे पकड़ती है, मारने जाती है कि तुम असुर हो, मैं तुम्हें मार दूंगी, तुम इस देश को बेचने निकले थे। तो वहां पर वो कहता है कि मैं कोई देश वेश बेचने नहीं निकला, मुझे कहा गया था इसलिए मैं ये चीज कर रहा हूं, मैं कोई असुर वसुर नहीं हूं। उसके बाद प्रथा बोलती है ओके, तो ये असुर नहीं है तो आखिर असुर कौन है? और उसके बाद हम देखते हैं प्रोमो में पानी के अंदर कुछ हुआ होता है जिसके वजह से प्रथा उसमें कूद जाती है और उसके बाबा उसे मिल जाते हैं, उसके पिताजी उसे मिल जाते हैं, जिसे लग रहा था कि कुछ साल पहले जब वो शेष नागिन बन रही थी, जबकि उसके बदले एक्चुअली महक को बनना था, लेकिन नीलगिरी के पहाड़ों के पीछे जमीन के नीचे वहां पे जो महल में हुआ उसके बाद उसे लग रहा था उसके भाई और उसके मॉम डैड की डेथ हो गई है, लेकिन उसके पिताजी अब वापस आ गए हैं। तब इससे सवाल ये उठता है कि क्या वो पांचवें असुर कोई और नहीं बल्कि उसके खुद के डैड है? कहीं उसके फेक डैड तो नहीं है? क्या ये एंगल हो सकता है? बिकॉज इट इज एकता कपूर सीरियल, इट इज नागिन फ्रेंचाइजी, कुछ भी हो सकता है। मेरा ऐसे गट फीलिंग बोल रहा है कि शायद वो जो उसके डैड है वो उसके नकली डैड है और एक्चुअल में वही असुर है, या फिर हो सकता है हर साल की तरह जब भी हमने देखा है पिछले दो सीजन्स में यामिनी को, यानी कि सुधा चंद्रन जी को, कि वो एक पॉजिटिव कैरेक्टर बन जाती है, नेगेटिव तो हो सकता है कि सीमा का कैरेक्टर भी नेगेटिव हो, तो शायद पांचवी असुर वो भी हो सकती है। तो या फिर ये भी हो सकता है, एज अ पॉसिबिलिटी, कि महक भी हो सकती है द पांचवी असुर, लेकिन अगर वो असुर होगी भी ना, मुझे नहीं लगता इतने जल्दी महक को रिवील करेंगे नेगेटिव वे में, उसे फिलहाल पॉजिटिव ही दिखाएंगे, शायद अगर नेगेटिव होगी तो बाद में दिखाएंगे। फिलहाल तो गट फीलिंग यही कह रही है, एक तो सीमा या फिर उसके जो डैड है उसके साथ फेक डैड होंगे प्रथा के और वही होंगे पांचवें असुर। क्या है आपको लगता है, आपकी गट फीलिंग क्या है, कैरी लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई सी यू गाइस सून, तब तक के लिए टेक केयर।